नमस्कार। विभाजन की विभिषिका की अगली कड़ी में बात कर रहे हैं हम बिशन दास चुटानी जी से। 83 वर्षीय चुटानी जी अभी गुरुग्राम में रहते हैं। ये डेरा गाजी खान के रहने वाले हैं और सन 1947 में विभाजन के समय जो करोड़ लोगों ने जो दुख को झेला, भोगा, देखा, उनमें से एक शामिल हैं। आगे उनसे ही जानते हैं कि किन परिस्थितियों में इन्होंने अपनी जन्मभूमि छोड़ी और आगे उनकी जीवन यात्रा कैसी रही। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार चुटानी साहब, आप बताएं कि जब विभाजन हुआ उस समय तो आप केवल 9 साल के करीब थे। लगभग 9 साल। जी जी, आपको कैसे पता चला कि भारत का विभाजन हो गया है, अब हम अपनी जन्मभूमि छोड़ करके और कहीं जाने वाले हैं? देखिए, मैं जिस गांव का रहने वाला हूं उसका नाम नुस्कानी है और तहसील संगढ़ थी और जिला डेरा गाजी खान था। संगढ़ नाम का कोई शहर नहीं था, तहसील का नाम संगढ़ था लेकिन उसका हेडक्वार्टर जो तहसील का था वो तौसा था। तौसा एक कस्बा था, वो तहसील हेडक्वार्टर था संगढ़ का। और मेरा जो गांव है काफ़ी बड़ा गांव था, छोटा गांव नहीं था, और हिंदू आबादी कम से कम उसमें 300-400 घर की आबादी होगी, मुसलमान आबादी तो ज़्यादा थी, हिंदुओं की इतनी होगी। और वो जो गांव था, हम सिंध के जो सिंध दरिया है, जो लगभग ऐसा समझा जाता है कि ये भी एक समुंदर ही है क्योंकि पांचों दरिया आकर वहीं मिलते हैं, तो सिंध के हमारा गांव जो था उसके नज़दीक थे, सिंध के हम नज़दीक थे। तो एक बार ये गांव सिंध की तुगियानी में बह चुका था, ख़त्म हो गया था, फिनिश। इसको दोबारा बसाया, जिस आदमी ने भी बसाया, जो भी आर्किटेक्ट बसाने वाला था या जो भी बसाने वाला था, बहुत ही शानदार तरीके से बसा हुआ था। इसका जो गलियां थी बड़ी सीधी थी और एक सिरे पे अगर खड़े हो जाए गली के दूसरे सिरा नज़र आता था, और गलियां आपस में 90 के कोण पे काटती थी। बहुत अच्छा बाज़ार था, काफ़ी लंबा चौड़ा बाज़ार भी था जिसमें हर तरीके की दुकानें थी, चाहे वो सुनार की दुकान हो, चाहे वो निस्वार की दुकान हो, चाहे वो यानी जो बाकी चीज़ें हैं ज़रूरियात की चीज़ें, वो सारी उस बाज़ार में मिला करती थी। थोक की दुकानें भी थी, परचून की भी दुकानें थी, और उसमें जो है जो नज़दीक के छोटे मोटे गांव थे वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी वहीं से ख़रीद करते थे हमारे गांव से। ये हमारे गांव की सिचुएशन थी। वहाँ अखबार तो नहीं आया करता था, अखबार आता था 3-4 दिन के बाद, जो हमें बासी अखबार पढ़ना पड़ता था। अखबार आता था चंद लोगों के पास, क्योंकि हमारे गांव में यानी वकील भी थे, डॉक्टर भी थे और काफ़ी अच्छे ज़मींदार भी थे, अच्छे बिजनेसमैन भी थे। इस तरीके से था उसका गांव की जो सिचुएशन थी। तो अखबार आता था, लगभग अखबार में ये बात आने लग गई थी कि बंटवारा होने वाला है लोगों को, चाहे वो अखबार हमारे पास 3 दिन के बाद हम बासी पढ़ते थे, लेकिन ये बात पता चल गई थी लोगों को कि बंटवारा होने वाला है और हम यहाँ से प्लान करने वाले हैं। इस तरीके की सिचुएशन पता चल चुकी थी। और इमीडिएट जो काज हुआ, मुझे याद है हमारे गांव के पास एक गांव था फतेह खां, फतेह खां गाँव में डाका पड़ा, वहाँ पर हिंदुओं को मारा गया, वहाँ को डाका पड़ा। वो फतेह खां हमारे गांव से ज़्यादा जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैंने उस गांव, मैं भी बचपन में गया था उस गांव में, हमारी रिश्तेदारी थी, उस रिश्तेदारी से उस गांव में किसी शादीशुदी में गया था, वो शायद 3-4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं था वो। तो वहाँ जब डाका हुआ तो लोग हमारे गांव के भी सोचने लग गए कि ये क्या हो रहा है। कुछ जो ज़्यादा सोच वाले थे हमारे गांव में, एक सुनार बिरादरी थी, काफ़ी उनका पूरा मोहल्ला था सुनारों का, वो सोचने लगे यार ये आज फतेह खां में हो गया, कल हमारे गांव में भी तो हो सकता है डाका, हमें भी तो मार सकते हैं, क्यों ना हम
इस जगह को छोड़ के वहाँ चले। वोहा जो एक गांव, एक टाउनशिप था, छोटा कस्बा था वोहा, वो जो था हमारा पुलिस स्टेशन था, हमारे गांव का जो पुलिस स्टेशन था वो था। वो सोचने लगे कि हम क्यों ना वोहा चले जाएं, वहाँ कम से कम पुलिस स्टेशन है, वहाँ सिक्योरिटी यहाँ से ज़्यादा होगी। तो वो जाने लग गए। तो मेरे परिवार ने भी, मेरे फादर ने भी ये निर्णय किया कि हम भी यहाँ से इन्हीं के साथ चले जाएं, इस गांव को छोड़ दें तो ज़्यादा अच्छा है। और ये फैसला हमने भी कर लिया। तो हमारे, मेरे फादर का एक दोस्त भी था, बल्कि बिजनेस पार्टनर भी था, जत था। जत, जत पता है जत किसको कहते हैं? जत वो होता है जो ऊँटों को पालता है, ऊँटों की परवरिश करता है, और फिर ऊँटों को किराए पर माल वाल ढोते हैं, वो काम जत करते थे। वो जत था, मेरे फादर का दोस्त भी था और पार्टनर भी था बिजनेस में भी। तो उसको कहा, भाई तू कल अपने ऊँट ले आ। क्या बिजनेस क्या करते थे? मेरे फादर थोक का बिजनेस करते थे, परचून नहीं करते थे ज़्यादातर। वहाँ पर सरसों वगैरह होती थी ज़्यादा, कुछ सरसों खरीद लेते थे, कुछ और दो चार पांच चीज़ें जो जिनेस वगैरह खरीद लेते थे, जब भाव ठीक हो जाता तो उनको बेच देते थे, यही था। तो उनने भी सोचा कि हम भी इनके साथ निकल जाएं। उन्होंने उसको कहा, तू कल ऊँट वगैरह जो है कचावे वगैरह ले आ और हमें वो है छोड़ के आ। वो सुबह सुबह से आया, कहने लगा, यार चुटानी साहब, लाला जी आज आपको घर से बाहर नहीं निकलना, रास्ता साफ नहीं है, बदमाश सारे बाहर के आए हुए हैं और आप आज वोआ नहीं जाएंगे, मैं आपको नहीं ले जाऊंगा वोआ। तो हमने जाके चुनार बिरादरी के जो तैयार थे जाने को उनको भी कहा, कहने लगा, यार कैसी बात है, दिन में हमारे कितने परिवार हैं, जवान आदमी हैं सारे, कौन सा मरे, मरे का मतलब कौन सा हमें मारने वाला है, हम जाएंगे, आपने जाना नहीं जाना मत जाओ, हम तो जाएंगे। और चले गए। और उसी जैसे दोपहर बाद संदेशा मिला कि रास्ते में उनको, उन पर हमला हुआ है, उनको लूट लिया गया, उनका सामान, और 10-12 आदमी मौत के घाट उतार दिए गए। ये उस समय हमें अपने गांव में पता चला। गांव में ज़रूरी बात है, गम और गुस्सा दोनों चीज़ें छा गई। अफसोस भी हुआ कि ये लोग कैसे, जब इनको मना किया फिर भी गए। और उसी रात फिर हमारे गांव पे हमला हो गया, उसी रात रात को। तो वहाँ भी हमने, वहाँ यानी वहाँ पर कुछ बुर्ज होते थे जहाँ पर पुलिस के आदमी एक दो रहते थे। हमारे यहाँ क्योंकि जो मुसलमान थे उनको वजीरे कहते थे, वजीरे हम पे हिंदुओं पे हमला करते रहते थे, गए बगाए वो आते थे हमला करते थे, उसके लिए बुर्ज बना रखे थे, एक आध पुलिस वाला बुर्जों पे रहता था। तो जैसे रात को हमला हुआ, सब लोग, अगस्त का तो महीना था ये, सब लोग ऊपर छत पे सो रहे थे, नीचे कोई सोता नहीं था, लकड़ी की सीढ़ी लकड़ी की होती थी, उसको भी ऊपर खींच लेते थे छत पे। तो सबने, मोहल्ले वालों ने, जब कनेक्टेड थे सारे कि भाई यहाँ पर अपने घर में रहें या कहीं सिक्योर स्थान पर जाएं, तो हमारे घर जो एक मेन बुर्ज था वो हमारे घर से थोड़ा, मतलब 500 गज तो दूर होगा कम से कम। वो एक चावला परिवार का घर था, उसके वो सिक्योर माना जा रहा था कि वहाँ बुर्ज नज़दीक है, वहाँ पहुँचा जाए। तो गलियों में तो हाँ जा नहीं सकते थे, वहाँ पर तो सारे घूम रहे हैं गलियों में बदमाश। तो हमने जो है सारा कनेक्टेड थे जो छतें थी, तो एक जगह वो कनेक्शन छतों का टूट जाता था, वहाँ पर फिर बच्चों को और बूढ़ों को लगभग लोग पगड़ी बांधते थे, वो पगड़ी से उनको नीचे उतारा और फिर आगे गए। इस तरीके से हम वहाँ पहुँचे, वहाँ पर लगभग ठीक रहे। रात को सुबह पुलिस आ गई और पुलिस वालों ने ये निर्णय किया कि अब भाई, ऐसे चौकने लगा, मैं हर गांव में पुलिस तो नहीं भेज सकता, आप
हेडक्वार्टर पे आ जाओ, मेरा हेडक्वार्टर वो आया है, कहना मैं जिम्मेवारी लेता हूँ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं होने दूँगा। तो सब लोग वहाँ चले गए अंडर हिज प्रोटेक्शन, पुलिस की प्रोटेक्शन में। वहाँ मेरे ख्याल में हम ठीक रहे। उसके बाद जैसे भी हम पाकिस्तान तक आए, कोई हमारे साथ ऐसा घटना नहीं हुई। तो वहाँ कितने दिन रहे? दिन तो शायद हो सकता है, जैसे हो सकता है सितंबर के कुछ सितंबर के महीने तक रहे हूँ शायद। और उन दिनों परिवार में कौन कौन लोग होते थे आपके यहाँ? मेरे परिवार में मैं, मेरा फादर, मेरी माताजी और मेरी बहन। तो यानी गांव, रात में गांव पर हमला हुआ और सुबह आप लोग वहाँ आए, फिर यानी गांव के सारे हिंदू इकट्ठा वहाँ पहुँचे, फिर इकट्ठा ही सब निकले? बिल्कुल इकट्ठे ही निकले अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ पुलिस जी। पुलिस वालों ने वो ऊँट वगैरह जो करके दिए। सामान ले पाए आप लोग? हाँ हाँ, सामान लिया, सामान एक ट्रंक, एक बिस्तर, एक बर्तन की बोरी, यही अलाउड था, इससे ज़्यादा था भी नहीं। अगर हम कुछ वोहे में ज़्यादा ले भी गए तो वोहे छोड़ गया, वो छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ पर बकायदा हमारे सामान की चेकिंग हुई। चेकिंग का बहाना तो ये था कि तुम्हारे कहीं हथियार तो नहीं ले जा रहे, हालांकि चेकिंग करने का बहाना तो उनका यही था पुलिस वालों का कि भाई दिखाओ तुम्हारे, तुमने कोई हथियार तो नहीं छुपा रखे। लेकिन था वही, एक बिस्तर ले जाना है, एक ट्रंक ले जाना है और एक बोरी बर्तनों की, ये तीन चीज़ें ले जाते। इट वॉज DB मिडिल स्कूल था, मैं जाया करता था। मुझे अपने उस्ताद तीसरी में जो मुझे उस्ताद पढ़ा था उसका नाम भी याद है, मुसलमान था, उसका नाम था जिंद वड्डा खां। जिंद वड्डा खां, जिंद वड्डा खां उसका नाम था। उसके पास डाकखाना भी उन दिनों टीचर्स के पास होता था, टीचर जो डाकखाने का काम भी करता था, वो डाकखाने का काम भी करता था, हमें तीसरी में पढ़ाता भी था। आपके साथ पढ़ने वाले कुछ साथी सहपाठी? देखो हिंदू जो थे उनके नाम तो मुझे याद हैं, एक मुसलमान नाम मुझे याद है, अब्दुल्ला उसका नाम था, बाकी मैं ज़्यादा हिंदू 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 साथियों के नाम। हाँ हिंदू साथियों कई नाम थे, रामनाथ था, एक सुखदयाल था, और कई बहुत से थे जो मुझे याद थे। अब तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है मैं भूलता भी जा रहा हूँ। तो जब विभाजन के बाद उन लोगों से सभी भारत आए, फिर उनसे भेंट हुई कहीं? हाँ हुई हुई, रामनाथ से हुई थी, वो क्या नाम है, जूंडले में रहते थे करनाल के पास, तो जूंडले में एक दो बार हमें भी किसी शादी पे जाना पड़ गया, तो वहाँ उससे रामनाथ से भी हुई, और एक सरदार जी थे, वो सरदार थे, वो भी उनसे भी हुई, वो आजकल शायद अमेरिका, उदो दास उसका नाम था, उदय सिंह, वो आजकल शायद अमेरिका में है, उससे भी हुई, वो भी थे कई, रामनाथ से भी हुई, उससे भी हुई, सुखदयाल से आज तक मैं नहीं मिला, वो भी मुझे ध्यान है, लेकिन मैं पाकिस्तान के बाद उससे नहीं मिला। गांव में मंदिर वगैरह कुछ नहीं? हमारे गांव में मंदिर नहीं था, हालांकि काफ़ी बड़ा गांव था, मंदिर नहीं था, लेकिन धर्मशाल गुरुद्वारा था जिसको हम धर्मशाल कहते थे। फिर आप लोग भारत कैसे आए? भारत तो किस महीने आए? देखो मेरे फादर कुछ लिखा करते थे, एक वो अपने डेली का खर्च लिखा करते थे, आज मैंने क्या खर्चा है। उनकी एक डायरी में मैंने पढ़ा था कि 18 नवंबर 1947 हम हिसार पहुंचे थे, उनकी डायरी में मैंने एक जगह पढ़ा था 18 नवंबर 1947 हिसार में हमारी गाड़ी पहुंची थी, ये मुझे याद है, मैंने पढ़ा था। अच्छा, आप लोग ट्रेन से आए? ट्रेन से आए थे। रास्ते में कोई ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं हुई? नहीं, शायद जो मुझे, अब मैं तीसरी में आदमी जो पढ़ता हो उसको कितनी ज़्यादा तमीज़ होती है सारी चीज़ें की, जो हम सुना करते थे अपने माँ बाप से। लाहौर में कुछ दिक्कत हुई थी, गाड़ी को लाइन क्लियर नहीं दी गई थी, 3-4 घंटे रोक ली थी, और काफ़ी सारे मुसलमान वहाँ पर इकट्ठे हो गए थे, लेकिन वो जो मिलिट्री का जो एक टीम साथ चलती थी गाड़ी के, उनकी सूझबूझ से उन्होंने लैंड क्लियर कराई, ASM को जाके बंदूक दिखा के, भाई लैंड क्लियर दे इस गाड़ी को, ये 3-4 घंटे हो क्यों रोक रखी है, तो
इस तरीके की सिचुएशन वहाँ जो बुज़ुर्गों से सुनी थी वो बनी थी, लेकिन कोई बाकी कोई ख़ास नहीं हुई थी। हाँ, विश्वास ख़त्म हो गया था लोग आपस में। मुझे याद है हम खानेवाल स्टेशन पे पहुँचे थे, जैसे गाड़ी रुकी तो अगले साथ वाले प्लेटफार्म पे पानी बह रहा था नल में से, बेतहाशा पानी बह रहा था। कुछ लोग जाने लगे कि जाके पानी भर के लाएं, उतरने लगे गाड़ी से, तो कई लोगों ने रोक दिया कि यार पानी यहाँ से मत लो, कहीं इसमें जहर ना मिलाओ। यानी हम एक दूसरे जो कभी बड़े अच्छे तरीके से तरह रहते हिंदू मुसलमान, अब यानी उन पे विश्वास बिल्कुल नहीं रहा था, यानी इतना भी विश्वास नहीं था कि हम उस स्टेशन से पानी भर लें। हिसार में कहाँ रहे, कैंप में रहे या? हिसार पहले तो एक जाट स्कूल था, वहाँ रखा गया, उसके बाद एक टेंट लगा दिए, कैंप में रखा गया। उसके बाद जब हमें ये पता चला कि डिस्ट्रिक्ट डीजी खां के लिए अलर्ट जो है गुड़गांव हुआ है, तो हम गुड़गांव आ गए थे। यानी वो जो हमें गुड़गांव आने के लिए जो हमें जो सवारी थी वो एडमिनिस्ट्रेशन, हिसार के एडमिनिस्ट्रेशन ने दी थी, और हम गुड़गांव आ गए, यानी वो बस वगैरह। पिताजी क्या करने लगे यहाँ गुड़गांव में? देखो, मेरे पिताजी 1937 में मैट्रिक उन्होंने पास कर ली थी, तो मैट्रिक पास होने की वजह से उसने यहाँ जैसे डीसी को यहाँ आके एप्लीकेशन दी कि मैं मैट्रिक पास हूँ, तो उसने कहा भैया आप मैट्रिक पास हो तो हम तुम्हें रेवाड़ी में सब इंस्पेक्टर सिविल सप्लाई बना सकते हैं, अगर आप जाना करना चाहें नौकरी कर दे दो, तो नौकरी मिल गई थी आती, कोई दिक्कत नहीं हुई थी। अच्छा, पिताजी को नौकरी मिल गई तो कोई दिक्कत नहीं? कोई नहीं, दिक्कत नहीं, यानी वो 1937 का मैट्रिक पास था तो उसको मिल गई आते, यहाँ कोई दिक्कत नहीं हुई। पाकिस्तान में तो नौकरी नहीं की, लेकिन यहाँ आके कर ली। फिर आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई? यहीं पर गुड़गांव में, तीसरी जमात मैंने यहाँ पास की, बीए यहाँ पास की डीएसडी कॉलेज में, बीएड में करके आया धर्मशाला से। फिर आपने टीचिंग अपनाने के, उस समय बीए पास बहुत ज़्यादा नहीं थे हम, उस समय जब हम मैंने बीए की थी 1959 में, उस समय कोई बहुत ज़्यादा बीए पास नहीं हुआ करते थे, बहुत कम होते थे, नौकरियां आसानी से मिल जाती थी। मुझे याद है कि मेरे हाथ में 4 नौकरियां थी, मेरे पास एयरफोर्स की नौकरी थी, एजी शहर में असिस्टेंट की थी, एजी शहर में यूडीसी की थी अपर डिवीजन क्लर्क की, और लाइफ इंश्योरेंस में असिस्टेंट की थी, और इधर मेरे पास ये टीचिंग में थी। तुकानी साहब, विभाजन का मतलब है कि जो जिस अर्थ में लेके दर्द, अथाह दर्द जो हिंदू समाज ने भोगा है, तो उस दर्द के संबंध अगर कोई आपको कहानी पता हो या आपने सुनी हो, आपने देखी हो, ऐसी कोई एक कहानी आप बता पाएं? देखो, मैंने आपको बताई है, हमारे गांव के जो सुनार बिरादरी के थे वो काफ़ी लोग, उनका कत्ल हुआ, तो ये एक दर्द भरी बात थी, और उसी से खौफ, सारे हमारे गांव में खौफ फैल गया था कि इस ये क्या हो रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आपका संपर्क? देखो, हम भीमनगर में रहा करते थे, उस समय 7वीं या 8वीं पढ़ा करता था, तो वहाँ वो छोटा सा मैदान था, वहाँ पर वो शाखा लगाया करते थे। मैं 7वीं या 8वीं में कुछ दिन के लिए गया हूँ, एक कार्यालय हुआ करता था यहाँ, इधर था यार, वो डबल स्टोरी बिल्डिंग थी, हम उस कार्यालय में भी जाया करते थे, किताबें देते थे पढ़ने को। वहाँ आपके गांव में? नहीं, गांव में हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं था। तो ये बिशनदास जी 9 साल के थे तब अपनी जन्मभूमि छोड़ कर के आए, हालांकि इनके पिताजी एक शिक्षित थे, पढ़े लिखे थे, कुछ समय तो इनके सामने समस्या आई, लेकिन भारत आने के बाद पिताजी को नौकरी लग गई और फिर इनका परिवार एक सामान्य जिंदगी जीने लगा, और इस समय भी इनका जो परिवार है ये भी सामान्य जीवन गुरुग्राम में जी रहा है।
आप या आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा परिवार है जिसने विभाजन का दंश झेला, उस पीड़ा को देखा, सहा, तो आप उसके अनुभवों को भी पांच जन्य के साथ साझा कर सकते हैं, जिसे हम इस श्रृंखला का हिस्सा बनाएंगे। आप हमें हमारे ईमेल आईडी vkv.panchjanya@gmail पर संपर्क कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं, और अगर चाहें तो उनके वीडियो बनाकर इसी ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी एक बार फिर देखिए, vkv.panchjanya@gmail.com।